आज हम आपको दिखाते हैं मल्टीग्रेन आटे की रोटी बनाना। बहुत सारे लोगों को मल्टीग्रेन आटा गूंदने बहुत मुश्किल होती है। अच्छा, अब मैं इसे हल्के हल्के देख के डालूंगी अंदाजे से कि कितना पानी जाएगा इसके अंदर। क्योंकि ये आटा इजी टू हैंडल नहीं होता, इसलिए हमें इसको इसी तरह करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, और जो जो ड्राई पोर्शन जहाँ से होगा ना, हम इसे एडजस्ट करते रहेंगे। ये देखिए, ये सब एक साथ मिलना शुरू होती है, लेकिन अभी भी ये थोड़ा सा पानी रिक्वायर्ड है, तो ड्रॉप ड्रॉप करके हम इसमें पानी डालते रहेंगे और उसे हिलाते रहेंगे। क्योंकि ये आटा काफी सख्त होता है और हम खाएंगे तो हमें लगेगा जैसे ये कोई बहुत ज्यादा सख्त है, लेकिन अभी थोड़ा सा चाहिए, पर हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे ताकि थोड़ा सा अच्छा सा हो जाए। अब हम इसे जोड़ लेंगे यूं करके, सारे ना उसको एक साथ मिला के करके आप जोड़ लेंगे। ये देखिए, ये हमारा आटा इस तरह करके गुन गया है। अब हम इसे बॉल बॉल लेते रहेंगे यूं करके और इसके हम पेड़े बनाते रहेंगे। अगर आप इतने पेड़े बनाएंगी ना, इतने साइज के, तो ये ना 6 या 7 बनेंगे। लेकिन आप इसे थोड़ा सा अगर बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा है ना, फैलेगा नहीं, ये रुक जाएगा, तो इसलिए इसके बड़े पेड़े बनाएंगे, वो भी इतने। इसे कहते हैं नॉर्मल बॉल। ओके, थैंक यू। अब हम अपनी रोटी को तवे पे डाल लें और हल्का सा घी या ऑयल डाल के उसे सेक के जाएं और आपकी मज़ेदार रोटी तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।